इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी लंदन में सवालों का जवाब दे रहे थे आज, और उस वक्त उन्होंने आरएसएस और बीजेपी का बिना नाम लिए हुए आज की विचारधारा की जो तुलना है देश की, उसकी मुस्लिम ब्रदरहुड से कर दी। राहुल ने कहा कि आज की विचारधारा हर संस्था पर एक खास सोच थोपना चाहती है। When the Congress Party comes to power, or the Samajwadi comes to power, or the BSP comes to power, or the DMK comes to power, they don't try to attack and capture India's institutions. What we're dealing with is a completely new idea. It's an old idea being reborn. And it's similar to the idea that exists in the Arab world with the Muslim Brotherhood. And I would compare it. And the idea is that one ideology should run through every single institution. One idea should crush all other ideas. And so you see the response of four Supreme Court judges who come out and say, we're not being allowed to do our work. You see Mr. Raghuram Rajan and the shock of demonetization. You can see India's institutions being torn down one by one. And the realization that we are fighting now something that is trying to destroy the modern idea of India. तो आपने राहुल गांधी को सुना। देखिए, राहुल गांधी ने तो बिना नाम लिए बीजेपी आरएसएस पर हमला किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो ट्वीट किया गया उसमें आरएसएस का नाम लेकर लिखा गया है कि राहुल गांधी ने आरएसएस की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड से की है। आरएसएस भारत की प्रकृति को बदलने की कोशिश कर रहा है, अन्य पार्टियों ने भारत की संस्थाओं पर कब्जा करने के लिए कभी हमला नहीं किया। आरएसएस की सोच अरब देशों की मुस्लिम ब्रदरहुड जैसी है, ये कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा। कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया गया है, जिसपे बाकायदा आरएसएस का नाम सीधे तौर पर लिया गया है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।